कैसे बढ़िया क्लास चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास आपकी तो जो क्लास है आज हम करने वाले कुछ क्वेश्चन बहुत सारे ना जस्ट वेट फॉर सेकेंड एक बार वॉइस चेक करते हैं वॉइस प्रॉपर है, है कि नहीं है शुरुआत तो करते हैं अपने क्लास की तो कहीं कोई डाउट है किसी कोई कुछ क्वेरी है या तो कुछ पूछना है जस्ट बेटा गुड इवनिंग गुड इवनिंग साहिर साहब गुड इवनिंग सभी का बहुत स्वागत है चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास तो आपकी जो क्लास है ये आपका चल रहा है किसके लिए आर आर बी टेक्नीशियन ग्रेड वन के लिए, लिए जिसके लिए आपने ये बैच लिया हुआ है और आपका चल रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ठीक है और आपने देखा होगा टाइम टेबल में आपका शाम को आज क्लास नौ बजे है आपने देखा ही होगा तो नौ बजे भी मुलाकात आपसे होगी और आपसे अभी मुलाकात होगी और जैसे जैसे मौका लग रहा है हम क्लास लेते जा रहे हैं और सिलेबस मैंने आपसे कहा है ना आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आपसे टेंशन मुझे होती है दिन रात मुझे सोचना पड़ता है प्लान करना पड़ता है ठीक है ए एल पी जे एन डिस तीनों पैनल लगे हुए हैं और तीनों को बहुत ही स्मूथली कवर करना है तो तो चलिए चलिए शुरू कीजिए अपनी क्लास तो बात करते हैं बाकी देखो अगेन अगर कोई भी आपको डाउट आता है कोई समस्या आती है आपके पास नंबर दिया हुआ है आप बेझिझक पूछ सकते हैं बैंक से दिक्कत बिना की समस्या के ठीक है जो भी आपका डाउट रहेगा या तो मैं आपको ओवर द कॉल या मैं आपको वीडियो में या जैसा भी रहेगा मैं आपको आपके डाउट को प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा और आ, क्लास नहीं देखी जो पहली क्लास देखने वाले है, वो जाके, हैं व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा ठीक है जिससे कि आप ग्रुप में बने रहें और आपको कोई दिक्कत ना आने पाए और आप क्लास प्रॉपरली देख पाए रिकॉर्डेड में भी और लाइव फॉर्म में भी आपका जो भी रहेगा ओके तो शुरुआत की जाए आपके प्रैक्टिस क्लास की जो कि आपका प्लान था भाई शुरुआत करते हैं तो आपका जो हम पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं आपका भाई डिजिटल पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है आपका यहां पर किसमें चल रहा है आपका आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट के अंदर आपका फोल्डर के अंदर चल रहा है आपका ठीक है और आपका माइक्रोपोस्ट्राफ और माइक्रोट्राफ का जो है ये भी आपका आज से कंटिन्यू हो जाएगा साथ में दो क्लास चलेंगी आपकी क्लास में और ट्राई कर रहा हूँ कि टाइम निकाल के कैसे भी करके एक और मैं ऐड कर दूं मैथ वाली क्लास जो है आपकी उसको भी ताकि हम लोग पहले चीजें बहुत आराम आराम से करते जाए और अगेन जीके और रीजनिंग पढ़ते रहिए जोश में आके उसको भूल जाना आप लोग ठीक है उसको आप भूल मत जाना ठीक है याद रखना इस चीज को एनीवेज anyway, चलिए तो नंबर सिस्टम में हमारा सभी टॉपिक कवर हो गए हैं बस एक टॉपिक बचा हुआ है आपका कि बीसीडी कोड क्या होते हैं एक्सेस थ्री क्या होते हैं ग्रे कोड क्या होते हैं वो आपका लास्ट टॉपिक है लेकिन आपका मेजर पार्ट जो होता है नाइन्टी परसेंट आपका वो कवर हो चुका है और आज हम उस उसपे करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसके लिए आप रेडी हैं तैयार हैं परफेक्ट हैं मस्त हैं जबरदस्त हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की और उससे पहले आपका जो आपने पढ़ा था उसको एक बार नजरों में देख लीजिएगा ताकि आपके दिमाग में रहे चीजें क्या कैसे हुआ था तो चलिए करते हैं आपका नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टॉल ऑफ यू गुड इवनिंग टॉल ऑफ यू अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जो देख रहे हैं उनका बहुत स्वागत है जिन्होंने टाइप नहीं किया उनका बहुत स्वागत है ठीक है तो क्वेश्चन आपका है क्या बी टू एफ एट आपका सिक्सटीन दिया हुआ है और आपका दिया हुआ है कि टेन में क्या होगा तो देख के ही क्वेश्चन लग रहा है कि ये थोड़ा सा लेंदी होगा जाहिर सी बात है आपको ये पता है कि अगर कोई भी नंबर सिस्टम है तो अगर आपका अदर जो भी बेस आपका है उसको अगर डेसिमल में करना है तो आपको पता है क्या करते हैं आप सिंपल सा आपका अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूँ सोल्यूशन बहुत ध्यान से देखते जाइएगा अच्छा एक और चीज कहीं भी क्या होता है कि मैं बोलता जो भी हूँ सही बोलता हूँ लेकिन लिखने में कभी भी गड़बड़ आती है तो इन केस कभी ऐसा हो तो आप प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप पे या जैसे भी आप मुझे बता देंगे तो मैं उसको करेक्शन कर दूंगा पीडीएफ में ताकि आपको पीडीएफ जो मिले वो सही मिले ओके, ओके ऐसा करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग अवेयर हो ठीक है, है, हाँ। तो आपका है।, आपका है और आपका सिक्सटीन है जस्ट वेट इसको मोटा कर लेता हूं तो आपको दिखेगा अच्छे से और इसको मुझे बदलना है किसमें आपका बेस टेन में बदलना है तो फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है आपका? आपका जो फॉर्मूला होता है ये जीरो होता है ये वन लेते हैं आप ये टू लेते हैं और ये थ्री लेते हैं आप तो बी क्या होता है आपका इलेवन होता है तो क्या करेंगे आप इलेवन इंटू सिक्स की पावर थ्री प्लस टू इंटू सिक्स की पावर टू हो जाएगा प्लस एफ कितना होता है भैया आपका फिफ्टीन होता है इंटू सिक्सटीन की पावर कितना हो जाएगा वन हो जाएगा प्लस एट इंटू सिक्सटीन की पावर जीरो तो जाहिर सी बात है थोड़ा लेंदी हुआ सिक्सटीन का क्यूब आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसमें करने में लेकिन आप उसको करिए जरूर अभी फिलहाल में बाकी एग्जाम में वो डिपेंड करता है कि कैसे आपको कर, टैकल करना है ठीक है और जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन देख के भी आप यहां पर एक अंदाजा लगा सकते हैं कैसे अगर मुझे सिक्सटीन का क्यूब पता हो तो क्या होता है दोस्त आपका आपने बहुत शॉर्टकट वीडियो देखी है फाइन स्क्वायर इन टू मिनट्स तो उसका यूज करिए आप उसका यूज बहुत अच्छा होता है अगर उसको आप डेली बेसिस में लाते हैं अगर नहीं लाते तो फिर वो किसी काम का नहीं है का क्यूब होता है फोर जीरो नाइन सिक्स अगर आपको याद हो सिक्सटी का क्यूब जो होता है वो होता है फोर जीरो नाइन सिक्स और इंटू आपका इलेवन अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो मैं आपको तरीका बता रहा हूं एग्जाम में कैसे आपको करना है ये थोड़ी आप पूरा करते बैठेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो बताओ भाई तो क्या आएगा आपका ये आ जाएगा ऑलमोस्ट कितना बताओ भाई बताओ जल्दी मुझे ये मैथ मेरी बहुत अच्छी नहीं है आपको पता है

क्या करना है अपने को ऐसे ही अप्रोच लगाना है आप चेक कर लो इसको यहां वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई यहां वेरी गुड बहुत बढ़िया ये आएगा फोर फाइव जीरो बताओ भाई ये जाएगा यह, यह सोलह का स्क्वायर कितना होता है बताओ भाई टू फिफ्टी सिक्स और आपका पंद्रह गोड़े हो जाएगा सोलह सिक्सटीन और आपका एट आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर्टी फाइव एट वन सिक्स आपका आंसर आ जाएगा तो आपको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में ये आपको सीखना है साथ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा नहीं आपको बस स्मार्ट वर्क करना है यह क्वेश्चन मजेदार तब होता जब यह फोर्टी फाइव एट वन सिक्स फोर्टी फाइव समथिंग कुछ होता फोर्टी फाइव समथिंग कुछ होता तब तब लगता कि भाई दम है क्वेश्चन में आपके ऑप्शन क्वेश्चन को टफ और इजी बनाते हैं इट डिपेंड्स ऑन ऑप्शन क्या बात ले दोस्त चलिए आगे बढ़े आइए आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी पे आते हैं द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ एक्सआर डेसिमल आपको दिया हुआ है इसका मुझे क्या निकालना है डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो ई फाइव कितना बताओ भाई। आसान है। तो ये क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं देख लो ध्यान से ऐसा तो है नहीं कि मैंने खुद से लिया हुआ है आप देख पा रहे होंगे यहां पर तो ई e है और फाइव है आपका ये तो इजी है ये इजी वाला है आपको बदलना है डेसिमल में तो क्या करेंगे आप दोस्तों यहाँ पर यह हो जाएगा आपका जीरो ये हो जाएगा आपका वन तो यहाँ से क्या आएगा ई कितना होता, तो होता है चौदह फोर्टीन इंटू सिक्सटीन की पावर वन प्लस फाइव टू सिक्सटीन की पावर जीरो तो ये फोर्टीन इंटू आ जाएगा सिक्सटीन प्लस आ जाएगा फाइव कितना होता हो कितना जाएगा टू टू नाइन बोलो यार कितना आ रहा है दो सौ उनतीस बहुत बढ़िया ज्यादा आंसर आपका यहां पे दो हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आंसर कितना टू टू नाइन हो जाएगा ये मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है थ्योरी मैंने आपको बताया हुआ है जिसको अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही होगी काजल जी बहुत बढ़िया वेरी गुड तो आपको क्या करना है आपको थ्योरी देखना है उसके बाद ये कुछ, ये सीरीज देखनी है ये आपको प्रैक्टिस में देखना पड़ेगा आपको ठीक है चलो भाई ट्वेंटी पे आ जाइए क्वेश्चन क्या ये बने आपको आपको दिया हुआ है ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं बाकी यहां भी करेंगे क्या दिया है दोस्त आपका आपका दिया हुआ है टू वन वन आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू क्या होगा यहां से आपका ये दिया हुआ है वन फाइव एट और बेस एट दिया हुआ है दोनों साइड में क्या करते हैं आप आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे चलो भाई करो तो क्या आएगा टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू जस्ट वेट वन इंटू एक्स की पावर वन प्लस वन इंटू एक्स की पावर जीरो यहां पर क्या आएगा जीरो वन टू तो क्या आएगा वन इंटू एट की पावर टू प्लस फाइव इंटू एट की पावर वन प्लस अगर आपको डेसिमल में चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं अब इसको हमने चेंज किया डेसिमल में बताओ भाई क्योंकि हम जानते हैं कि डेसिमल ये भी हो गया डेसिमल ये भी हो गया दशमलव ये भी हो गया दशमलव आपका ये भी हो गया तो यहां से आपको दिक्कत अब आपको नहीं आएगी सो तो क्या देखा आपने यहां आप पर दोस्त मेरे ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका एक्स आ जाएगा और आपका ये वन हो जाएगा यहां से कितना आएगा सिक्सटी फोर हो जाएगा चौसठ और आपका जाएगा आठ पंचे चालीस और आपका हो जाएगा एट तो यहां से क्या आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये कहीं थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है तो उसको आप ध्यान चौसठ चालीस हो तो गया एक सौ चार एक सौ चार, चार कितना होता है एक सौ बारह तो यहां से क्या मिला आपको फाइनली टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का वन 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 इक्वल टू जीरो बोलो भाई हाँ है ना क्या कहीं मैंने गड़बड़ की कुछ बोलो भाई चौसठ चालीस हो गया आपका कितना एक सौ चार होगा ना एक सौ चार अरे देखा सॉरी सॉरी यहां पे टू है थैंक यू सो मच बताने के लिए यहां पे टू है यहां पे टू है ठीक है थैंक यू सो मच यहां पे, so पे जाएगा टू आपका ये टू दिया हुआ है तो ये क्या आएगा सबका ये टू हो जाएगा ये टू हो गया तो ये क्या होगा भाई आपका यहां से बस यही चीज आपको सीखनी है देखो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा बाकी आपको ये सीखना है क्या होगा 104 हो गया 106 हो जाएगा बताओ भाई बिल्कुल सही हाँ वन फाइव टू थैंक यू सो मच 106 जैसे मैंने लिखा हुआ भाई ये ना आपने कहा भाई अरे यार क्या आप लिखो इसको सही से 152 है 158 नहीं है आपका बस होता था आप मोबाइल से निकल के मुझे बता देते यही होता है आपका सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन आपका ठीक है आइए तो क्या देखा आपने वन जीरो इसको, इसको तो आप पढ़ना ही पड़ेगा क्वाडिटी क्वेश्चन आपके सिलेबस में है मैथ में आपको क्वाडिटी पढ़ाना है मुझे द्विघात समीकरण बताए भाई क्या होगा नंबर क्या होंगे बताओ भाई नंबर्स क्या होंगे आपके फैक्टर क्या आएंगे चौदह और पंद्रह जस्ट वेट मैं थोड़ा दस को आपको आपको पता ही है कैसे करते है ना इसको कोई ऐसा है इसको ये ना पता हो तो मैं सब जानते हैं, हैं।, तो हैं? मल्टीप्लाई करते हैं फिर जो आता है वहां पे हम चेक करते हैं ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर आपका क्या आ जाए प्लस का एक्स आ जाए इंटू सेवन होगा अच्छा एक्स सेवन होगा आरके भाई थैंक यू सो मच अरे वाह ग्रेट बहुत बढ़िया यार गुड वेरी गुड शानदार उन्होंने बोल दिया है चेक करते हैं क्या सही है क्या तो यहां से क्या आएगा दोस्तों आपका ये आ जाएगा टू एक्स स्क्स का फोर्टीन एक्स माइनस का वन जीरो तो से कितना आएगा आपका अगर मैं यहां पे देखूं तो क्या हो जाएगा बताओ भाई ये आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा अगर मैं यहां से कॉमन क्या लूंगा मैं यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या यहां से ले लो एक्स कॉमन तो आ जाएगा टू एक्स प्लस फिफ्टीन और यहाँ से कितना आएगा आपका सेवन लो तो क्या आएगा टू एक्स प्लस फिफ्टीन तो यहां से आपको दो मिलेंगे क्या मिलेंगे आपको एक मिलेगा टू एक्स प्लस 15 मिल जाएगा और एक मिल जाएगा आपको यहां से क्या x -7, जीरो. तो यहां से क्या देखा आपने एक बार आपका x आएगा माइनस का फिफ्टीन अपॉन टू आ जाएगा और एक बार x क्या आएगा आपका सेवन आ जाएगा और आप जानते हैं कि कोई भी चीज आपका माइनस में बेस होगा नहीं तो आपका आंसर क्या आएगा सेवन आ जाएगा कोई दिक्कत भैया नमस्कार जिसकी पहली क्लास है कृपया वो क्लास देख ले पहले की जो भी है ठीक है नहीं तो हो सकता है आपको समझ में ना आए अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको समझ अच्छे से आएगा बिना किसी दिक्कत के आप क्लास ही देख सकते हैं तो ये रिक्वेस्ट है आप सभी से और ओरिएंटिंग और क्लास जरूर देख लें आप एक बार आइए बात करते हैं आपका नेक्स्ट ट्वेंटी टू पे आते हैं बाइनरी नंबर आपको दिया हुआ है डबल वन जीरो क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया थर्टीन यहां भी है थर्टीन यहां भी है भी भी है 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है अब आप खुद सोचो क्या ये इसके लिए मुझे कोई नीड है क्या तो इसको कोई मतलब क्या होता है आपका भाई वन टू फोर एट आपका होता है तो क्या तेरह आ गया सीधे सीधे अब ये मेन है यानी अगर मैं आपसे बोल यहां पर तो ऐसे ही आपको एग्जाम में स्मार्टली वर्क करना है क्या कहा वन वन जीरो वन है और पॉइंट में वन जीरो वन है तो क्या करेंगे आप इसको इसको लेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो क्या आएगा यहां से आपका ये आ जाएगा वन टू की पावर माइनस वन मैं इसकी बात कर रहा हूं ये तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो थर्टीन होता है ये प्लस जीरो इंटू टू की पावर माइनस टू प्लस वन इंटू टू की पावर माइनस थ्री तो ये आ जाएगा वन पॉइंट टू और ये आ जाएगा वन पॉइंट एट अच्छा यहां से देखें क्या आएगा आपका एट हो जाएगा तो टू फोर आपका ये फाइव हो जाएगा आपका ये वन हो जाएगा कितना आएगा पांच बटे आठ बताओ भाई और पांच बटे आठ को डिवाइड में कितना आएगा सर एक बार फिर क्वेश्चन करिए कौन सा रजनी कौन सा वाला अरे वाह ग्रेट बहुत तमीर साहब बहुत बढ़िया वेरी गुड बाकी जो भी डाउट रहेगा तो मेरे साहब मुझसे पूछ लेना व्हाट्सअप नंबर है आप वहां पूछ सकते हैं कौन सा वाला बोल रहे हैं आप रजनी कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप करने के लिए चेक सी आएगा सुनी बहुत बढ़िया वेरी गुड बताओ भाई बिल्कुल सही क्या बोला आपने यहां से आपका जाएगा ये जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा आपका एट है और आपका फाइव है इसको बिंदास डिवाइड करो कोई दिक्कत नहीं यार आठ छतालीस हो जाएगा आपका टू आ जाएगा आपका जीरो फिर आठ दुनिया आपका सोलह हो जाएगा फिर चार फिर आठ पंचे चालीस हो जाएगा

फॉर्म करना है आपको हाउ मच फोर का पेयर ये आपका फोर हो गया कितना है भाई से आपका वन टू फोर एट तो आपका ये चार है लास्ट में चार है 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 इसमें आ रहा है, इसमें आ आ रहा रहा तो ये गया और ये गया अब आपको चेक करना है फिर नेक्स्ट कौन सा आपका है चार ये आपका चार है, है ना भाई देखो वन टू फोर एट आठ चार बारह तेरह थर्टी किसका होता है ए बी सी डी दस ग्यारह बारह तेरह ए बी सी डी आपका डी आ रहा है भाई फिर से करो एक बार आप हेक्सा है ना आपका हां तो एक दो तीन चार बनाओगे फिर आप एक दो तीन चार तो आठ चार बारह और दो चौदह फोर्टीन आ रहा है आपका ई आएगा तो आपका आंसर क्या हो गया डी हो गया सीधा आपको पूरा सॉल्व करना ही नहीं है क्या रहेगा आपके यहां से ई आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपना टाइम बचा सकते हैं वहां पे ये नहीं पूछने वाले आपसे आरआरबी वाले कि भैया अरे आपने ऐसा किया चलो इधर आओ और बताओ मेरे को कैसे किया आपने ठीक है टू इंटू वाली क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुई है एक मिनट तो डाउट है तो आपको ये आप कहना चाह रहे हैं इसमें कि ये आपका कैसे ये ट्वेंटी टू वाले में यहां टू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऐसा यहां बोल रहे हैं क्या चलिए आप जी हो सकता पूछने जाए मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं नंबर दिया है फोन आपको बताइए आप मुझसे बाद में मैसेज कर देना ठीक है डोंट वरी बाकी किसी का डाउट तो नहीं है इसमें और किसी डाउट तो नहीं है बस मैं जाना चाहता हूं अगर सबका रहेगा तो मैं देखूंगा अगर किसी एक का रहेगा नंबर दिया हुआ है इससे आपका भी समय बचेगा और सबका बचेगा तो हम लोग क्या होगा थोड़ा फास्ट कर पाएंगे चीजों को ठीक है तो यहां से ई आ जाएगा आ जाओ भाई ट्वेंटी पे आ जाइए ट्वेंटी क्या बोल रहे हैं फॉर अ बाइन नंबर आपका बिट दिया हुआ है इनपुट नंबर आपको दिया हुआ है क्या आपको बताना है तो आप जानते हैं कि अगर आपका एन बिट होगा कितना बनता है दोस्तों आपका टू की पावर एन बनता है जो कि आपने पढ़ा हुआ है अगर टू बिट होता है तो क्या होता है भाई आपका 2 की पावर टू आपका फोर बन जाता है अगर थ्री बिट है तो क्या होगा दोस्तों आपका टू की पावर थ्री होता है आपका एट बन जाता है तो वैसे यहाँ पे टू की पावर एन हो जाएगा कोई दिक्कत बताओ भाई कोई समस्या कोई तकलीफ बहुत शानदार चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं ट्वेंटी फाइव की ओर जो कल आपने सीखा था कंसेप्ट उस पर रिलेटेड आपकी चीजें होंगी द रेंज ऑफ वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई विद एट बिट टूस कॉम्प्लीमेंट आपका दो के पूरक में अगर आपका बिट का कोई नंबर है तो आप कैसे दर्शाएंगे यानी उसका परास कितना होगा रेंज क्या होगा तो रेंज आप जानते हैं जनाब क्या होता है आपका जो रेंज होता है टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है आपका माइनस में टू की पावर एन माइनस वन से आपका जाता है प्लस में टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन ये आपका रेंज है उसने बोला है एन जो आपका है वो एट दिया हुआ है चलिए भाई बहुत बढ़िया अब जो एन आपका एट दिया हुआ है तो टू की पावर एट माइनस वन हो जाएगा यहां से और यहां से क्या होगा आपका टू की पावर एट माइनस वन माइनस वन तो यहां से क्या आएगा माइनस में टू की पावर सेवन और ये कितना आएगा आपका यहां से माइनस प्लस में आपका हो जाएगा टू की पावर सेवन माइनस वन और टू की पावर सेवन जो होता है वो होता है आपका कितना वन ट्वेंटी एट और टू की पावर सेवन माइनस वन कितना होगा आपका वन ट्वेंटी सेवन तो यहां से अगर आप देखो ध्यान से तो क्या होगा प्लस में वन ट्वेंटी सेवन रहेगा और माइनस में वन ट्वेंटी एट ये गया ये गया अच्छा ये वाला किसमें है बताओ भाई ये जो आपका है ये किसमें है बताओ ये किसमें लागू होगा ये किसी में नहीं होगा भाई ट्वेंटी क्वेश्चन में बात ओके कोई बात नहीं वेरी गुड बहुत बढ़िया चलिए कोई बात नहीं पूछ लेना बाद में घुसता गया आ जाओ भाई ट्वेंटी को भी किसी को भी डाउट रहेगा ना आप बाद में क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा सर इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आई थी बता दीजिएगा मुझे आप टेंशन में घूम लो आप मैं हूं ना डोंट वरी बी रिलैक्स आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन कितना आसान है मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं लेकिन आपको वो नहीं करना है आपको बस देखना है वन जीरो जीरो वन फास्ट करना है वहां पे वन है तो जीरो होगा लास्ट में तो ये गया पहले गया ये भी गया क्योंकि दो वन है तो दो जीरो यहां भी है दो जीरो यहां भी है लेकिन यहां पे नहीं है तो ये गया अब जीरो था तो वन वन चाहिए था यहां पे नहीं है तो ये गया बचा क्या आपका ये तो आपको ऐसे चेक करना है एग्जाम में वहां इतना टाइम नहीं है बाकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिखा रहा हूं तो इसलिए यहां पे टाइम लगता है समझाने में समझने में लेकिन वहां पे ऐसे करना है आपको चुटकियों में क्लियर है भाई बाकी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मैं लिख देता हूं यहां पर इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा क्या जहां पे वन है वहां पे जीरो तो वन वन क्या होगा जीरो जीरो फिर आपके दो जीरो हैं यहाँ पे दो वन हो जाएंगे फिर ये जीरो हो जाएगा फिर ये वन हो जाएगा फिर जीरो जीरो मैचरिए ना क्या बात है बहुत बढ़िया भैया अंकित भैया क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत शानदार आ जाओ भाई ट्वेंटी सेवन पे आ जाइए रूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सर्टेन नंबर आपको दिया हुआ है दिस द बाइनरी नंबर इज आपका टूज कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है दोस्त आपको दो कॉम्प्लीमेंट टूज कॉम्प्लीमेंट गिवेन है और आपको बाइनरी निकालना है कि कौन सा होगा बताओ भाई कैसे करेंगे इसको आप, आप एक्चुअली क्या होता है ना कई लोग मैं फट से कर दूंगा तो कहते हैं सर हमको भी थोड़ा टाइम दीजिए ना नहीं तो लाइव आने फायदा क्या होगा इसलिए आप टाइम लीजिए बताइए क्या होगा और फिर मैं बताऊँ आपको ठीक है अच्छा क्वेश्चन है आराम से करिएगा बताइएगा क्वेश्चन बड़ा प्यारा है काजल जी ए बोल रहे हैं क्या काजल जी बोला है ए है और लोग बताओ भाई ये जो लिखा हुआ है ये आपका एक ही नंबर है याद रखिएगा ये दो नंबर नहीं है इन्होंने स्लैश करके इसका हिंदी रूपांतरण लिखा हुआ है जबकि हिंदी ऐसा कुछ होता नहीं है क्या ए आंसर है इसकी बी है क्या है बताओ भाई चलिए बताते हैं आपको कहा कैसे करना है आपको बाकी सबने अभी कमेंट कर दिए होंगे आते हैं कमेंट आपके यह बात करते इन्होंने बोला है कि आपका एक बाइंड्री नंबर है मतलब कि जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है ये टूज कॉम्प्लीमेंट आपको गिवन है यानी कि आपसे बोल रहे हैं कि एक नंबर है आपके पास जो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको मिला है अब टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद आपको ये नंबर मिला है तो आपसे ये पूछा है जनाब कि जो नंबर था वो कौन सा था तो कोई बात नहीं इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो फिर से तो आपको नंबर मिल जाएगा क्या मैंने बोला इसका आप फिर से टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो आपको नंबर वो मिल जाएगा कैसे देखो ध्यान से आप वन है वन है वन है तीन वन है फिर आपका दो जीरो है फिर एक वन है फिर आपका जीरो फिर आपका ये वन है तो मैंने आपको टूज कॉम्प्लीमेंट का एक तरीका बताया हुआ है कैसा शॉर्टकट कि जैसे ही आपको पहला वन मिलेगा उसके बाद जितने भी हैं उनका आप वंस कॉम्प्लीमेंट ले लो एक तरीका तो ये है जो आपका विदिन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा एक तरीका और होता है कि पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए फिर इसमें आप वन ऐड कर दीजिए जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे वन ऐड करेंगे तो आपको टूज कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा बाकी हमने पढ़ाई है थ्योरीज में सेवन कॉम्प्लीमेंट एट कॉम्प्लीमेंट ये सब ठीक है तो यहां से क्या होगा आपने देखा ये वन मिला आपको तो आपने वन लिख दिया बाकी फिर क्या होगा जीरो का हो जाएगा वन वन का हो जाएगा जीरो फिर ये वन वन फिर आपका जीरो 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 ये आपका आ गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं बाकी आपको ये याद हो गया होगा क्या बोला मैंने आपसे कि जब पहला वन मिलेगा उसको वैसे ही रखना है बाकी सभी को क्या करना है कॉम्प्लीमेंट कर देना है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट ये तरीका है एक शॉर्टकट बाकी चाहे तो आप इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए प्लस वन कीजिए आपको फिर से मिल जाएगा तो किससे मैच कर रहा है बताओ भाई डबल जीरो डबल वन जीरो डबल वन ए से कर रहा है बहुत बढ़िया तो देखा ना थ्योरी और क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है अगर आपने एक भी मिस किया तो गया थ्योरी पूरा पढ़ के क्वेश्चन नहीं होते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़ के थ्योरी नहीं होता है भी पे आ जाइए जनाब क्या बोल रहे हैं एक्सप्रेस माइनस थर्टी नाइन एट बिट नंबर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और मैंने आपको ये कराया हुआ है बात समझ में आई नहीं है दोस्तों चलिए बताइए भाई कैसे होगा एक्सप्रेस माइनस थर्टी नाइन इंटू एट बिट तो कल जब आपने लास्ट में देखा था मैंने आपको लास्ट में कॉन्सेप्ट था ना आपका कौन सा लास्ट में जो कॉन्सेप्ट था कौन सा वाला माइनस का आपका था ना ट्वेल्व उसको हमको करना था एट बिट में रिप्रेजेंट तो साइन में क्या होता है हम जीरो 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 देते हैं बीच में और आपका जो वंस कॉम्प्लीमेंट होता है टू कॉम्प्लीमेंट होता है क्या करते हैं हम लोग उसमें एमएसपी को कॉपी कर लेते हैं तो वही अप्रोच लगाना है और लगाइए फटाफट बताइए आंसर क्या होगा आई एम वेटिंग भाई क्या होगा चलिए देखते हैं तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपको कोई निगेटिव नंबर का लिखना है तो जाहिर सी बात है पहले उसका पॉजिटिव नंबर जैसे आपने कल देखा था ना रूल होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या होता है कि पॉजिटिव के लिए कोई रूल नहीं है जैसा था वैसे ही रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है जीरो लगा देंगे आप एमएसबी में लेकिन जब नेगेटिव नंबर आता है तो पहले आप उस नंबर को लिखते हैं पॉजिटिव फॉर्म में तो आपका जो थर्टी नाइन नंबर सोल्यूशन है, है, बहुत प्यारा सा और ध्यान से देखना है आपको ठीक है क्या बोला आपने कि पहले आप थर्टी नाइन जो आपका दिया है माइनस में पहले इसको लिखेंगे आप प्लस का थर्टी नाइन और इसको आप लिखेंगे क्या जो बाइनरी नंबर आपका होता है अब थर्टी नाइन है तो जाहिर सी बात है कि भाई देखो कहां तक जाएगा आपका वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू तक जाएगा तो थर्टी टू आपका रहेगा ये हो गया सिक्सटीन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि तो का होगा थर्टी टू पे क्या करेंगे इसमें हम थर्टी टू में अगर मैं पांच ऐड कर दू सॉरी थर्टी टू में अगर हम सात ऐड कर दें, तो हमारा हो जाएगा थर्टी नाइन तो सिक्सटीन नहीं होगा ये नहीं होगा आपका फोर टू वन चेक कर लो भाई क्या आ पाए वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू इसको मैं लिख दे रहा हूं ऊपर ताकि आपको क्लियर आ जाए ये वन है टू है फोर है एट है सिक्सटीन है और आपका थर्टी टू है तो बत्तीस थर्टी टू प्लस चार कितना हो गया थर्टी सिक्स थर्टी एट थर्टी नाइन आपका ये जो प्लस का थर्टी नाइन था आपने इसका जो मैग्नीट्यूड है वो लिख दिया पहले कोई दिक्कत अब क्या हुआ कि इसका साइन भी तो लिखना पड़ेगा तो यहां पर जो साइन बिट रहेगी वो क्या रहेगी आपकी जीरो रहेगी क्योंकि तो आपका पॉजिटिव नंबर है अब इसका ले लेंगे हम लोग क्या टूज कॉम्प्लीमेंट इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे याद रखिए एक तरीका तो क्या है पहले फिर उसमें वन लीजिए क्या है आपका कि भाई पहला आपको वन मिला तो उसको आप वैसे ही लिखिए और बाकी जितने भी हैं उसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है वन का जीरो और जीरो का वन जीरो का वन जीरो का वन वन का जीरो और ये वन मुद्दा ये है कि यहां पे कितने बिट हैं चार तीन सात आपको चाहिए आठ बिट तो आप एक और यहां पे लिख दीजिए ऐसे मैंने आपको बताया तरीका इसका कैसे आप इसको लिखते हैं तो ये आपका नंबर आ गया ये नंबर किससे मैच कर रहा है आपका डबल वन जीरो डबल वन डबल जीरो वन आपका आंसर हो जाएगा डी आपका क्या इस बात से एग्री करते हैं आप लोग बताओ भाई क्या ये सही है क्या बात है भाई बहुत बढ़िया और लोग बताओ भाई क्या सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं समझ में आया प्रॉपर कैसे किया आपने रूल याद रखिए आप अच्छे से ठीक है उसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आपको नेगेटिव नंबर लिखना होगा वंस कॉम्प्लीमेंट में और टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको यह याद रखना है कि पहले जो नंबर आपने नेगेटिव में लिया है उसको पहले आप पॉजिटिव में करिए उसका नंबर लिखिए देन उसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए तो आपका वो नंबर आपको मिल जाएगा क्लियर है दोस्त चलिए आगे बढ़े आ जाओ भाई ट्वेंटी पे आ जाइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपसे भाई वॉट इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एट कॉम्प्लीमेंट अभी आपने क्वेश्चन किया था बहुत ही शानदार तरीके से क्या इसका जो रेंज होता है फॉर्मूला क्या होता है भाई रेंज का इसको इतनी बार लिख लो आप कि आपको रट जाए क्या होता है बताओ भाई रेंज आपका ये ये होता है जनाब टू की पावर एन माइनस वन माइनस में रहेगा ये और जाएगा कहां तक आपका ये प्लस में टू की पावर एन माइनस वन माइनस वन क्या इस बात से आप एग्री करते तो उसको बताओ भाई बहुत बढ़िया इसने बोला है क्या पॉजिटिव वैल्यू जो आपका धनात्मक मान है उसके लिए आपको बताना है तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या वैल्यू दी हुई है यहां पर आपको देखो भाई ये दी हुई है ये रहा आपका सीन यहां पे n इक्वल टू आप 8 रखो कितना आएगा प्लस में है ब्रैकेट में क्या आएगा 8 माइनस वन और ये माइनस वन होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि प्लस में ये टू की पावर सेवन माइनस वन हो जाएगा और फाइनली क्या मिलेगा आपको वन ट्वेंटी सेवन बोलो भाई यहां है ना तो ये टू की पावर सेवन कितना होता है 128. वन ट्वेंटी एट और माइनस वन करेंगे कितना आएगा वन ट्वेंटी सेवन और जो काजल जी ने लिखा है वन ट्वेंटी एट वहीं पर ही आप फंस गए अगर गलती से भी वन ट्वेंटी एट यहां पर लिखा होता वन ट्वेंटी सेवन यहां पर लिखा होता तो बाई गॉड क्वेश्चन में मजा आता क्योंकि तो बहुत लोग 128 ट्वेंटी एट करते आगे बढ़ जाते और मामला वहीं पे ही गड़बड़ हो जाता आप वहीं वही फंसाते ये माइनस में 128 जाएगा माइनस में 128 जाएगा लेकिन प्लस में 127 जाएगा और आपको ये भी पता है कि टूस कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें एक ही जीरो होता है इसलिए आपका यह नंबर यूज होता है गॉट इट तो आंसर क्या आएगा आपका ए हो जाएगा कहीं कोई डाउट तो नहीं है कहीं कोई समस्या तो नहीं है भाई कहीं कोई डाउट हो कोई दिक्कत हो आप तुरंत पूछेगा या अगर अभी अभी ना पूछ पा रहे हैं कोई बात नहीं नंबर दिया है तब पूछ लीजिएगा आप, आपका मोस्ट वेलकम है आ जाओ भाई थर्टी पे आ जाओ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं भाई वॉट इज द रिजल्टेंट यानी इसका रिजल्ट क्या होगा किसका ये नंबर दिया हुआ है नंबर क्या गिवेन है आपको आइए देखते हैं भाई नंबर क्या गिवेन है आपको आपको गिवेन है यहां पर जस्ट वेट आपको ट्रिपल वन दिया हुआ है ट्रिपल वन जीरो जीरो और ट्रिपल वन फिर दिया हुआ है तीन बार तीन है ना तीन तीन और दो ठीक है भाई यहाँ पे क्या दिया है माइनस जीरो, जीरो, जीरो वन、वन करना है तो वन वन क्या आता है बताओ भाई वन वन होता है जीरो वन वन होता है जीरो वन माइनस होगा आपका सॉरी वन माइनस वन क्या होगा यहाँ पे वन हो जाएगा फिर ये जीरो अब यहां पे आती है मुद्दे की बात ये देगा इसको क्या उधार तो क्या होगा ये देगा प्लस टू देगा आपका आपको टू, टू देगा अच्छा टू क्यों देगा क्योंकि तो तो आप बाइनरी को ऑक्टल और कैसे आप ऑपरेशन करते हैं उसमें आप ठीक है तो ये दो लेगा इससे तो क्या आएगा यहां पर आपका टू में से एक गया कितना आया आपका यहां पर एक आ गया यहां कितना है जीरो ये कितना आएगा वन ये कितना आएगा आपका वन कोई दिक्कत बताओ भाई तो क्या आएगा डबल वन जीरो वन वन डबल जीरो क्या ये आंसर आपका ये हो गया अगर आपको चेक करना हो जैसे कि मान लो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है या डाउट लग रहा है आपको तो आप क्या करो इसको आप बदल दो पहले डेसिमल में फटाक से कितना होगा भाई देखो यहां पे जो ये डेसिमल में है तो वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट तो वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर कितना होगा बताओ भाई वन ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटी फोर कितना होगा तो इसको आप डेसिमल बदलिए इसको भी आप डेसिमल बदलिए आपका ये आंसर जो आएगा वो आपको डेसिमल मिलेगा बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या यहां तक चलिए भाई आगे बढ़े बहुत आराम से बहुत प्यार से आप देख लीजिए और कहीं आपको कोई दिक्कत हो आप तुम पूछिए आगे बढ़े ताहिर साहब काजल जी बहुत बढ़िया वेरी गुड परफेक्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़े फिर बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है आइए थर्टी टू पे आते हैं ये तो आसान है अरे सॉरी थर्टी वन नॉट थर्टी टू थर्टी वन मतलब ये आप क्वेश्चन पूछने में आपको कंफ्यूजन हो जाए थर्टी वन क्या बोल रहे आपसे भाई अनिबल जो निबल होता है वो क्या होता है भाई आपका फोर सक्सेसिव बिट होते हैं आपके कितने होते चार बिट होते हैं ना मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है आपका भाई आपका वन निबल में कितने होते हैं चार बिट होते हैं वन बाइट में कितना होता है दोस्त आपका आठ बिट होते हैं वन वर्ड में कितना होता है दोस्त आपका सोलह बिट होते हैं कोई दिक्कत है बताओ भाई क्या कोई समस्या है कोई तकलीफ बहुत बढ़िया तो आठ बीट के लिए क्या बोलेंगे आप ये तो तो हाँ लायक है तो दिखा करो आप क्या हो जाएगा ये वर्ड हो जाएगा तो इससे आपको ना बार बार वो चीजें रिकॉल होंगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में ठीक है आगे आ जाओ भाई थर्टी टू पे आ जाओ क्या बोल रहे हैं आपसे भाई द रिजल्ट ऑप्टेंड बाई ऑन द मल्टीप्लाइंग द नंबर दिस आपका जीरो वन है वन है वन है और आपका यहां पर जाएगा जीरो वन जीरो मल्टीप्लाई करो भाई मल्टीप्लाई करो कितना है आपका चार तीन सात है ना ये ये आपका सेवन है और ये कितना है आपका चार एक पांच है आपका पैंतीस आना चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के आना चाहिए आपका पैंतीस आना चाहिए अब पैंतीस कैसे आएगा पैंतीस को, को आप बाइंड कर दो चेंज कैसे करोगे आप कैसे होगा आपका भाई थर्टी टू सिक्सटीन आपका एट फिर टू और वन हो तो जाएगा थर्टी टू थर्टी टू प्लस थ्री कितना हो गया थर्टी फाइव तो वन जीरो 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 वन 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 जीरो 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 वन वन आपका आंसर ए हो गया ठीक है भाई करने को आप कर लो कैसे करोगे आप पहले आप वन से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो वन 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 आएगा फिर अगर करोगे आप जीरो से करोगे तो जीरो 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 होगा फिर अगर करोगे आप वन से करोगे तो क्या आएगा जीरो वन 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 आएगा फिर क्या होगा सबका जीरो 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 हो जाएगा अब करो इसको ये वन आएगा ये वन आएगा वन वन जीरो होता है फिर यहाँ पे वन आएगा वन वन जीरो होता है फिर यहाँ पे वन आएगा वन वन जीरो होता है फिर यहाँ पे वन आएगा आपका जीरो हो गया आपका आ गया तो वन ट्रिपल जीरो वन वन तो ये तरीका है आपका चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो आपकी इच्छा है एग्जाम में जो आपको लगे फास्ट वो कर लो आप सिद्धांत साहब बहुत बढ़िया अंकित भैया बहुत बढ़िया राधा जी बहुत अच्छे सुनील जी रंजीत भैया तनवीर साहब क्या बात है बहुत शानदार भाई आइए आगे, आगे बढ़ते हैं थर्टी थ्री पे आते हैं क्या बोल रहे हैं आपसे ये आपका एक नंबर ए ये है बी नंबर ये है टू बिट कॉम्प्लीमेंट नंबर देयर प्रोडक्ट इन टू बिट कॉम्प्लीमेंट यानी इनका जो प्रोडक्ट होगा टू बिट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा आपसे ये पूछ रहे हैं दोस्त बताओ तो भाई कैसे करेंगे इजी वाले क्वेश्चन है ये सब इजी इजी वाले बताएं तो मैं भी करता हूं आपको देता हूं एक मिनट टाइम तो इसको, तरने इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं ठीक है इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं आप सोचिए है बताता हूं मैं आपको ठीक है डोंट वरी क्या होगा कई लोग सोचेंगे कैसे करने का कि भाई ये ए दिया हुआ है ये बी दिया हुआ है टू एट बिट आपके टू कॉम्प्लीमेंट नंबर है देयर प्रोडक्ट इन तो आप इसको प्रोडक्ट कर दोगे ना ऐसा तो देखो पहली बात तो ये कि आपके सी और डी तो पहले ही गए ये तो पिक्चर में है ही नहीं दो और तीन आ गया ना भाई दो तीन कैसे आ जाएगा हाउ इज पॉसिबल बचा आपका ये और ये अब बहुत ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे ये जो पहले चार बिट हैं और ये पहले चार बिट हैं दोनों बराबर हैं डबल, डबल वन डबल जीरो डबल वन डबल जीरो पे जीरो, वन, जीरो वन है, यहाँ पे जीरो वन जीरो जीरो होगा तो बहुत ध्यान से आपको देखना है यहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ है क्या काम किया हुआ है अगर आप देखो ध्यान से तो ये चार बार वन रिपीट हुआ है और ये चार आपका देखो ऐसे दिया हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है एट बिट यानी कि उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे लिखा हुआ है एट बिट ताकि आप पकड़ सको ताकि आप पकड़ सको 8 बिट मतलब क्या होगा कि भले ही वो दो बिट का रहा होगा तीन बिट का रहा होगा आप टूज कॉम्प्लीमेंट को 8 बिट बना सकते हो आपने सीखा हुआ है कि जो भी आपका एमएसबी होगा उसको आप क्या करो रिपीट कर दो तो यहां पे क्या देख रहे हैं आप कि 1, 1, 1 आपका रिपीट हो रहा है यहां क्या देख रहे हैं आप आपका जीरो जीरो यहां पे रिपीट हो रहा है तो अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे दोस्त बहुत ध्यान से सुनिएगा अब आप कहेंगे सर एग्जाम में मान लो अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम सोचेंगे लेकिन अब आप खुद बताओ अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या आप नहीं कर पाओगे आप ये मत सोच लो कि आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आपको सब कुछ आएगा अब यही गलती हमसे होती है आप सीखने आए हो अब ये क्वेश्चन आएगा तो गारंटी है आप कर लोगे तो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में हुबहू वैसे ही मिल जाएंगे डेटा थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा इसी गारंटी मेरी है क्लियर है दोस्त तो क्या देखा आपने कि अगर मैं ए को लिखू यहां पर तो ये कुछ क्या है आपका नंबर ये आपका है कितना वन टू फोर एट आपका ये माइनस का सिक्स है This is your -6. देखो आप ये आपका माइनस पूरा और ये वन टू फोर एट तो यहाँ पे वन टू फोर एट फोर एट कितना आपका दस है यार क्या तो, कह आपका माइनस का टेन आ जाएगा अच्छा बी क्या है बताओ भाई जो बी आपका है क्या है ये आपका प्लस का टेन है तो भाई यहा है ना क्या क्लियर है बताओ भाई क्या क्लियर है बताओ भाई लेकिन जो मैंने ये लिखा क्या सही लिखा है क्या आप ये बताओ पहले क्या ये सही है नहीं यही तो गड़बड़ है ये सही नहीं है क्योंकि तो आपने क्या पढ़ा हुआ है मैंने आपको क्या बोला है कि जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है आपको चेक करना है कि वो नंबर कौन सा है तो ए आपको टूज कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी गिवन है वन 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 आपका वन जीरो वन जीरो गिवन है आपको ये ये ऑलरेडी आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है तो ये किस नंबर का होगा बताओ भाई तो क्या करेंगे आप इस नंबर को हम पकड़ेंगे बहुत ध्यान सुनना बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली तो आपका क्या आएगा यहाँ से आपका आ जाएगा इसका लेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा यहां से आपका जीरो वन और आपका क्या आ जाएगा ये वन जीरो एक्चुअल में नंबर ये है ये एक्चुअल नंबर है ये कितना आपका सिक्स है ये कितना है सिक्स है तो यानी कि ये जो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट जो ए है आपका वो किसका है माइनस सिक्स का है क्या ये बात मेरी समझ में आएगी नहीं बताओ पहले भाई बहुत ध्यान से बना ये अच्छे क्वेश्चन हैं ये वैसे नहीं कि ऐसे काम सारा क्वेश्चन है ये अच्छे क्वेश्चन हैं एक लेवल है इनका ठीक है क्या बोला मैंने ए को मैंने देखा ये टूज कॉम्प्लीमेंट किस नंबर का है मैंने चेक किया कि भाई ये तो आपका जो शो कर रहा है ये माइनस है इसको हटा दो आप इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लो आपको मालूम चल जाएगा कि ये नंबर कौन सा है क्या ये बात क्लियर है दोस्त बताओ भाई हाँ ना अब आप ये बताओ जो ये बी है ये कौन सा नंबर है जो ये बी है अगर आप बता देंगे तो बाइकआउट मजा आ जाएगा जो ये बी है ये कौन सा नंबर है ये ए समझ में आया ए आपका माइनस सिक्स कैसे हुआ ये आपका माइनस सिक्स है आपका ए क्योंकि तो नेगेटिव नंबर के लिए ही आपका कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है मैंने आपको थ्योरी में बताया है कि नेगेटिव नंबर के लिए ही आपका कॉम्प्लीमेंट आया था अब ये पॉजिटिव नंबर है तो मैंने आपको कल दिखाया था ना कि प्लस में अगर बारह लिखा हुआ है तो सबके लिए बराबर रहेगा वो तो क्या मैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट लूंगा नहीं ये आपका प्लस का 10 है यहां पे मैंने कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर हम एज इट इज लिखते हैं जैसा है वैसा ही लिखेंगे कल का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा आप लोग इस चीज को लेके अगर डाउट हो तो समझ में आया नहीं है दोस्तों तो भाई तो ये माइनस का सिक्स है और ये प्लस का टेन है जो ये नंबर दिया हुआ है अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे दोस्तों बताओ यहां से आपका जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे यहां पर ए इंटू बी करेंगे आप तो क्या आएगा यहां से आपका आपका माइनस सिक्स आएगा और आपका टेन प्लस का आएगा और क्या मिलेगा आपको माइनस का सिक्सटी मिल जाएगा क्या मिलेगा आपको माइनस का सिक्सटी मिल जाएगा अब माइनस सिक्सटी जो आपका है इसका मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो बताओ मैं कैसे लिखू मैं तो पहले क्या करेंगे आप आप पहले लिखेंगे प्लस का सिक्सटी कितना आएगा बताओ भाई आप कई लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना करने में तुम्हारा टाइम निकल जाएगा एकदम सही बात है आपको एग्जाम में यह भी ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है किसको पकड़ना है ये मत सोचना कि आई लव डिजिटल सर ने बहुत मेहनत की थी उनके पसीने पसीने आ गए थे इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए वहां पे एगो को साइड में रखना है आप ये मत सोचलना कि सौ में सौ कर करना है जाहिर सी बात है सौ में सौ इम्पोसिबल होता है मैं आपके टैलेंट पे शक नहीं कर रहा हूं लेकिन ये रियलिटी है तो वहां आपको स्मार्टली वर्क करना है ये सभी स्पीड देकर होते हैं जो कि स्पीड को फटाक से रोक देंगे और आपको ये पकड़ना है जैसे दिखा रही है तो स्पीड पे करे आगे बढ़ो तुम छोड़ो आगे बढ़ो भाई ये भी आपको एक नंबर देगा और जो इससे पहले आपने किया वो भी एक नंबर देगा अगर इसको आपने कर लिया इसका मतलब थोड़ी है कि आपको ये आ, की बोलेंगे अरे भाई साहब क्या बात है बच्चे ने किया चलो इसको अवार्ड दो ना वो चाह रहे हैं कि आपका जो कैसे आप डिसीजन ले रहे हो दैट इज थिंग वो चाहते हैं कि आप डिसीजन मेकिंग हो कि नहीं हो क्लियर ले ले है लेकिन आपको ये सीखना है ये नहीं कहो कि यार क्या मतलब सीखने का सीखो भैया मेरे जरूरी है आपका कॉन्सेट बिल्ड डेवलप होगा प्लस सिक्सटी डॉ कितना होगा बताओ भाई प्लस में अगर मैं सिक्सटी लू कितना आएगा बताओ मैं सिक्सटी फोर ले सकता नहीं तो थर्टी टू हो गया थर्टी टू प्लस एट कितना हो गया आपका चालीस हो गया ये सोलह थर्टी टू प्लस सोलह कितना टू प्लस सोलह कितना होगा बताओ भाई थर्टी टू प्लस सोलह कितना होगा बताओ बोलो याद थर्टी टू प्लस सोलह हो जाएगा अड़तालीस अड़तालीस और चार हो जाएगा बावन बावन और चार हो जाएगा छप्पन बत्तीस और सोलह कितना चार साठ हो गया तो ये जीरो जीरो आएगा ये साठ है चिको भाई साठ है ना ये चेक करो एक बार आओ चेक कर लेते फटाक से जल्दी से ये हो जाएगा वन टू फोर एट सिक्सटीन और आपका थर्टी टू तो बत्तीस सोलह हो गया फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस एट कितना हो गया फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स प्लस फोर हो गया सिक्सटी हाँ सही है भाई और एक नंबर आपका आएगा किसके लिए इसके लिए जो आपका साइन है पॉजिटिव अब इसका ले लो भाई साहब कितना टूज कॉम्प्लीमेंट क्या लेंगे दोस्तों यहां से आपका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या होगा जीरो जीरो और जैसे ही वन आया बाकी सभी क्या हो जाएंगे आपके जैसे ही ये वन आया बाकी सब क्या करेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे आपका आंसर ये आ गया क्या है आपका वन ट्रिपल जीरो वन डबल जीरो वन ट्रिपल जीरो वन डबल जीरो अरे वाह थैंक यू सो मच काजल जी सिद्धार्थ भाई थैंक यू सो मच मचित भैया बहुत बहुत शुक्रिया तो वन अब एतने बिट बोला है कितने है कितने वहां बिट है भाई देखो ये दो हो गया चार दो छ एक सात एक और लगा दो भाई यहाँ पे ये लो वन कोई दिक्कत नहीं है तो क्या था क्या आपका ये आ गया आंसर एक तो समझ में आया तो ऐसे क्वेश्चन को आपको आइडेंटिफाई करना है अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते अब ये क्वेश्चन टफ नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सोचने में तो वहां पे आप इसको आराम से कर सकते हैं ठीक so so है क्या बोल रहे हैं आपसे भाई बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपका अरे ये तो फर्जी है अभी आपने किया ना। ये हो जाएगा आपका थर्टीन पॉइंट सिक्स टू फाइव कर चुके हैं ऑलरेडी आपका रिपीट हुआ ये चलो रिपीट हुआ इसको नहीं काउंट करते हैं इसको काउंट नहीं करेंगे अपन ये रिपीट हो चुका है तो ये हम नहीं काउंट करेंगे इसको हम कट कर देंगे पीडीएफ से ठीक है 34 पे आ जाओ भाई ये भी हो चुका है क्या ये भी हो चुका है इसको भी काउंट नहीं करना है टूज कॉम्प्लीमेंट आपका ये भी हो चुका है क्या चलो कर लो यार ये हो चुका क्या हुआ हो चुका है तो हो चुका क्या, क्या करेंगे उसके 33 हो गया 34 पे आ जाओ आसान है क्या होगा भाई आपका यहां पर ये हो जाएगा 1 ठीक आंसर ये वन रखेंगे आप ऐसे ही फिर ये वन जीरो जीरो वन जीरो जीरो आपका जाएगा जीरो जीरो नंबरी डबल डबल सी हो रही ना हाँ थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव ड साइन मैग्नीट्यूड आपका जब आपका साइन मैग्नीट्यूड होता है तो आपका जो एमएसपी होगा वो क्या होगा बताओ भाई आपका जो साइन मैग्नीट्यूड होता है क्या होता, बताओ होता है क्या होता? बताओ आपका साइन मैग्नीट्यूड है तो एमएसबी आपका बिट अगर पॉजिटिव है तो नंबर वन होगा नहीं भैया वन पे नेगेटिव होता है नेगेटिव नंबर होगा नहीं नहीं बिल्कुल क्या होगा आपका ऑलवेज ऐसा है क्या नहीं बिल्कुल नहीं लास्ट आपका एमएसबी क्या, क्या होगा आपका हम ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा यानी जीरो होगा आपका एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहेगा तो पॉजिटिव वन रहेगा तो नेगेटिव जीरो रहेगा तो पॉजिटिव वन रहेगा तो नेगेटिव आ जाओ भाई थर्टी सिक्स पे आ जाओ क्या बोल रहे हैं आपसे भाई फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एट बिट नंबर ट्वेंटी एट इन डेसिमल सिस्टम आपको माइनस माइनस ट्वेंटी क्या होगा दोस्त क्या करेंगे आप पहले माइनस ट्वेंटी एट है तो पहले करेंगे उसको प्लस ट्वेंटी एट भाई टूस कॉम्प्लीमेंट में आपको लिखना है ना तो माइनस का ट्वेंटी एट है पहले आप देखो प्लस ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट कैसे आएगा भाई आपका सोलह बत्तीस बत्तीस मतलब नहीं है तो सोलह आपका आ गया सोलह और आठ हो गया चौबीस और आठ हो गया आपका चार हो गया अठाईस जीरो जीरो हो गया ना ट्वेंटी एट और प्लस में आपका करना है क्या आप लगा देंगे जीरो साइन बिट हो गया और आपका ये ट्वेंटी एट हो गया तो जीरो जीरो वन टू फोर एट सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस एट आपका जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस फोर ट्वेंटी एट बहुत बढ़िया इसने है एट बिट तो पहले लेंगे आप ऐसा क्या रूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे फटाक से तो क्या आएगा यहां से आपका जीरो जीरो वन आएगा तो ये जीरो जीरो हो जाएगा और ये वन कितना हो गया तीन तीन छ वन वन आपका ये आज़ाएं आज़ाए। आज़ाएं आ जाएगा आंसर तो ट्रिपल वन जीरो वन डबल जीरो ट्रिपल वन जीरो जीरो वन डबल जीरो आपका आंसर बी हो जाएगा आंसर भी बी बहुत बढ़िया भाई क्या बात है क्या बात है क्या बात है चलिए आगे बढ़े आ जाओ भाई थर्टी सिक्स हो गया थर्टी सेवन पे आ जाओ भाई अब ऐसे क्वेश्चन हो कितने हलवा है इसको आपने, आपने गलत किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा बोला है सी थ्री ये गया सी और थ्री तो कम से कम आठ पिट चाहिए तो यहां तीन तीन ये भी गया यहां कितने हैं तीन तीन ये भी गया। कितने हैं चार बस कैसे किया मैंने लॉजिक से कैसे ऑप्शन टफ बनाएंगे इजी बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन ये तो गए दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं एक आपको क्वालिफाई कराते हैं एक आपको मेरिट बनाते हैं जो वो क्वेश्चन था जो हमने भी किया जिसमें थोड़ा टाइम लगा आपको वो छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है वहां से सिलेक्शन रुकेगा नहीं आपका लेकिन ये छूट गया तो गए क्योंकि तो ये सभी सही करने वाले हैं भाई C3 बोला है तो सी क्या होता है और थ्री आपका इसके इसके लिए 4 बिट, लिए बिट बिट कैसे पॉसिबल होगा कितना फर्जी दिया हुआ है आपको ऑप्शन हाँ तो हाथ आंसर हो गया आपका ठीक है भाई कर लो आप सी क्या होता है ए बी सी दस ग्यारह बारह बारह मतलब ये सी कितना हो जीरो जीरो आगे ना चलिए आगे बढ़े आगे आगे बढ़ते हैं थर्टी सेवन हो गया थर्टी एट आ जाओ भाई क्या बोल रहे हैं आपसे ये आप नंबर एज इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट क्या फर्जी क्वेश्चन है बताओ भाई वन है तो वन लिखोगे आप फिर वन वन जीरो इन क्वेश्चन को बहुत केयरफुली करना आप ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दो सो बी केयरफुल ठीक है ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ध्यान रखना है क्योंकि तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है चेक कर लो भाई ये गड़बड़ तो नहीं करती है हमने खुद भी जीरो ट्रिपल वन सही है ना थर्टी नाइन पे आ जाओ भाई द मैक्सिम नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ डिजिट ऑफ ऑक्टल नंबर यानी कि अगर आपका ऑक्टल नंबर है और मुझे बाइनरी में शो करना है तो मुझे कितनी बिट चाहिए तो मुझे तीन बिट चाहिए कितनी तीन क्योंकि आपका एट होता है ना ऑक्टल टू की पावर थ्री अगर सिक्सटीन होता क्या बोलते हैं आप टू की पावर फोर तो आपको फोर बिट चाहिए होती कितनी फोर बिट आपको चाहिए होती यहाँ पर कितनी आपकी तीन हो गई आ जाओ भाई फोर्टी पे आ जाओ क्या बोल रहे हैं भाई द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द दल नंबर हेक्सा डेसिमल दिया है आपको आपको डेसिमल निकालना है वन 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 है आपका और आपका सिक्सटीन है तो जीरो वन टू तो क्या आएगा वन इंटू सिक्सटीन की पावर टू प्लस वन इंटू सिक्सटीन की पावर वन प्लस वन इंटू सिक्सटीन की पावर जीरो बताओ भाई कितना आएगा अब यहाँ पे बहुत पास पास वैल्यू दी हुई है तो यही से ही आपको ये एहसास होता है क्वेश्चन कितना पास कितना दूर है देखो कितना उन्होंने पास पास दिया हुआ है तो ऑप्शन ही आपके क्वेश्चन को बताते हैं 256 हो जाएगा ये 16 हो जाएगा और ये बन हो जाएगा कितना आएगा होता तो भाई टू फिफ्टी प्लस सोलह कितना होता है बताओ यार दोस्त कितना होता है 272 प्लस वन कितना रहेगा टू बहुत बढ़िया कितना रहेगा भाई 273 देख रहे हैं कितना पास पास है और 74 फोर क्या शानदार दिया है मतलब देख रहे हैं ये लेवल होता है मजा आता है तब गलती करोगे आप देखिए तो मैं चाहूंगा कि आपको ऐसा ना मिले आपको बहुत इजी मिले और आप उड़ा दो आपका आपका सिलेक्शन हो जाए ठीक है चलिए ग्रेट आ जाओ भाई नेक्स्ट वन ये आप करना होमवर्क करना गृह कार्य करना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हैं तो आप आराम से इसको कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के इसको करना गृह कार्य ठीक है फोर्टी वन आपका आ जाओ भाई फोर्टी टू पे आ जाओ इसको जो करते हैं। क्या बोला है तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे तो सोलह चार बीस इक्कीस ये भी आपका इक्कीस है ये भी आपका इक्कीस नहीं है और ये भी आपका इक्कीस नहीं है सोलह चार बीस है अब इन दोनों में काम करना है आपको कैसे किया आपने वन टू फोर एट किया ट्वेंटी वन है ना भाई अब 125 को यहां पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों यहां से आपका क्या जाएगा पॉइंट में टू फाइव जीरो जीरो आया जीरो आपने यहां पर रखा। फिर क्या होगा यहां से जीरो जीरो को टू से करेंगे कितना आएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो जीरो फिर जीरो आपका आया जीरो रखा आपने फिर क्या आएगा पॉइंट पॉइंट uh, में जीरो जीरो आप ही रहा तो आपने टू से किया कितना आया वन पॉइंट जीरो जीरो आ गया तो वन आपने यहां पर रख दिया वैल्यू क्या आएगी कुछ ऐसे तो जीरो जीरो वन तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका ए क्लियर बताओ भाई चलो भाई फोर्टी थ्री भी आप ले लो होमवर्क गृह कार्य क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप इसको करेंगे जरूर ठीक है जो जो मैं होमवर्क दे रहा हूं उसको आप छोड़ेंगे नहीं याद रखिएगा फोर्टी थ्री फोर्टी फोर आपका ये भी क्या है गृह कार्य है आपका होमवर्क है इसको करिएगा नहीं जरूर भूलेगा नहीं गॉट इट फोर्टी फाइव पे आ जाइए क्या बोल रहे हैं आपसे नंबर बिट्स नीडेड टू कोड टू फिफ्टी सिक्स तो टू की पावर एट अगर होगा तो कितना आएगा टू फाइव सिक्स टू की पावर सेवन कितना होता है वन ट्वेंटी एट तो यहां से आप जानते हैं कि अगर मेरे पास एट बिट होगा तो मैं टू फिफ्टी सिक्स इंस्ट्रक्शन यानी जो भी आपके रहेंगे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आंसर आपका एट बिट आ जाएगा फोर्टी सिक्स पे आ जाएगी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कितना उन्होंने इजी दिया हुआ लेकिन थोड़ा घुमा के दिया उन्होंने थोड़ा सा घुमा के दिया है और सिकंदराबाद एस एसई कई लोग कई लोग वेट कर रहे हैं इसका देखते हैं शायद गवर्नमेंट कुछ है? आप पे दया कर दे क्या पता इस बार Let's see. बता भी क्या होगा क्या बोल रहे हैं आपसे भाई आपका क्या है देखो एक दो तीन चार पांच ये टू की पावर फाइव है ना भाई ये अगर मैं लिखू वन 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 तो इसका वैल्यू कितना आएगा वन टू फोर एट सिक्सटीन लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ये लगा देंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है सोलह आठ चौबीस चार अट्ठाईस दो तीस वन थर्टी वन आपका थर्टी वन होता है यानी कि टू की पावर फाइव थर्टी टू होता है माइनस वन करना पड़ेगा आपको आपका आंसर आएगा डी क्यों क्योंकि तो ये जीरो से स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है इसलिए थर्टी वन तक जाएगा तो आंसर आपका आएगा टू की पावर फाइव माइनस वन आएगा तो कई लोग जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं और टू की पावर फाइव लेके चले जाते हैं यही गड़बड़ है क्योंकि तो ये पूरा है कितना थर्टी वन ही तो है थर्टी वन ही शो कर रहा है आपका, ट्रिपल वन जो आपका पांच बार वन है ठीक है दोस्त चलो तो भाई आ जाओ भाई फोर्टी सेवन भी आप करिएगा होमवर्क फोर्टी एट भी आपका है होमवर्क क्योंकि तो ये सभी इजी क्वेश्चन है ये आप ऑलरेडी कर लेंगे इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये कई बार कट चुके होमवर्टी नाइन भी आपका होमवर्क है और फिफ्टी भी आपका होमवर्क है देख देखा कितने क्वेश्चन आपके मिले हुए हैं भाई क्वेश्चन भी और भी हैं बहुत शानदार क्वेश्चन आपके जो हैं ये सब इजी वाले क्वेश्चन हैं जितने भी हैं कि मजबूरी है ना कराना पड़ेगा ना आपको तो ये कई बार आए हुए हैं ये ऐसा है नहीं कि अलग अलग पेपर में आए हुए हैं सभी ठीक है आपका जैसे ये क्वेश्चन हो गया ये कितना शानदार क्वेश्चन आपका है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे इन क्वेश्चन को कवरअप करेंगे जो भी अच्छे क्वेश्चन है बाकी सब वही बार बार रिपीट हो रहे हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो बाकी हम ये करेंगे जो भी आपके हैं तो थैंक यू सो मच मैं सभी को कर दूंगा पीडीएफ में मैं आपको सब दे दूंगा ये सभी होमवर्क है ये सभी ट्राई करना आप ठीक है मैं सब डाल दूंगा जितने भी हैं और इसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे जितने भी हैं तो फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर फिफ्टी फाइव फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट सिक्सटी नाइन सेवेंटी सेवेंटी वन सेवेंटी वन ठीक है और ये देख क्वेश्चन आपके हर एक तरीके क्वेश्चन आपके हैं हर एक टाइप के ताकि आपको आराम से हर एक तरीके से थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच से आपको तैयार किया जाए यहां पे भी क्वेश्चन कुछ नए नए हैं आपको जो आपको कुछ सीखने मिलेगा ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका थैंक यू सो मच आपकी न बजे क्लास रहेगी कौन सी माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे क्योंकि तो इसके लिए तो हमने ये पढ़ाया था बाकी ये कंटिन्यू होगा आप यहाँ पे हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चंस करेंगे फिर हम पढ़ेंगे बीसीडी कोड क्या होता है एक्सेस थ्री कोड क्या होता है नॉन वेटेड क्या होता है वेटेड क्या होता है ये सब बात करेंगे अपन लोग ठीक है फिर उसके बाद होते ही चलेगा बाइंडरी नंबर स्टार्ट हो जाएगा बाइंडी कोड स्टार्ट हो जाएंगे यानी कि बुलेल जबरा आपका स्टार्ट हो जाएगा थैंक यू सो मच गाइस हैव अ ग्रेट डे बाय बाय ध्यान के अपना आप हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए कहीं कोई दिक्कत हो कोई समस्या हो ये नंबर नोट कर लीजिए ये नंबर आपका है नोट कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए जरूर चलिए धन्यवाद बाय भाई बाई हंसते रहिए और मुस्कत रहिए